फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद भड़के प्रियंका और राहुल गांधी, बोले फिलहाल हमारा पूरा साथ रहेगा। जी हाँ, उन पीड़ित परिवारों के साथ जिनको कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि शर्म की बात तो यह है कि अभी तक आरोपी बाहर घूम रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले सरकार में जरा सी दया नाम की चीज नहीं। जी हाँ, ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, किसानों को कुचला जा रहा है, एक हफ्ते में देना होगा सरकार को जवाब, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अजय मिश्रा जैसे हिस्ट्री शीटर को भाजपा ने अपनी पार्टी में जगह दी है, इसका मतलब साफ है कि उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, 3000, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 3000 किलो हेरोइन की जांच अब एनआईए करेगा। दोस्तों अब कैसी जांच करेगा दोस्तों एनआईए, गौतम अडानी को फंसाएगा या फिर बचाएगा, यह तो आप भी जानते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी बोली अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो ये सरकार कभी भी न्याय नहीं देगी, अगर हम हाथरस में न्याय की आवाज नहीं लगाते। जब दोस्तों विपक्ष का काम ही यह होता है लोगों को न्याय दिलाना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं मानता हूं दोस्तों ये बात कि विपक्ष अपने भले ही फायदे के लिए ये करता हो राजनीति के लिए, लेकिन दोस्तों अगर विपक्ष ना हो तो ये मुद्दे भी ना उठे, सरकार इनको दबा दे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नागपुर दोस्तों आपको बता दें, पालघर में शिवसेना ने किया भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं पकड़ा गया, अगला निशाना शाहरुख खान को बनाया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता ने सर मुंडवाकर छोड़ी बीजेपी पार्टी, भाजपा को लगा बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसानों के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फूटे आंसू, भूपेश बघेल बोले ये सरकार नहीं। जी हाँ, ये सरकार नहीं, ये जिस तरीके की हरकतें कर रही है ऐसे दरिंदगे करते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी के आंसू निकले, और दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी ने गले लगाया है ये काम दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के दोस्तों मुख्यमंत्री का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये काम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि दोस्तों एक कांग्रेस शासित राज्य और एक भाजपा शासित राज्य में क्या फर्क होता है। दरअसल दोस्तों, जब जब जो यहां पर मूल्य काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, ये नारे फिर से एक बार लगे दोस्तों मुसलमानों को पीड़ित करने के लिए छत्तीसगढ़ में। अब की बार इन्होंने छत्तीसगढ़ में हिंदू सेना ने, फर्जी हिंदुओं ने दोस्तों एक वो निकाली दोस्तों, आपको बता दें रैली, जिसमें जब जब मूल्य काटे जाएंगे इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार इनको सूद दिया गया, इनका जो पिछवाड़ा था वो सुजा दिया गया लठ मार मार के, बताएंगे आपको इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें 56 इंच के सीने अब बन गया दोस्तों, अब 2 इंच का सीना, दरअसल चीन हमारी सीमाओं में घुस गया। जी हाँ, बताएंगे कैसे जर्नल ने ही जो यहां पर खुलासा कर दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अब पीड़ित परिवारों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद दोस्तों उनको ये दिलासा दिया कि वो उनके साथ है और उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों को, लवप्रीत के माँ बाप को दोस्तों गले लगा लिया, ना सिर्फ गले लगाया दोस्तों बल्कि राहुल गांधी ने उनकी मदद भी की। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आपको सहारे की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी पैसा आपको आपका बेटा नहीं लौटा सकता, ये बात सच है, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे आपको और इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी ने उनको गले लगा लिया, जब दोस्तों माँ बाप पीड़ित परिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गले लगाया तो उनके भी आंसू छलक पड़े। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दोस्तों ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो काम किया है, क्या ये काम दोस्तों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को नहीं करना था?
क्या दोस्तों ये काम सीएम जी या दोस्तों योगी आदित्यनाथ को नहीं करना था? दोस्तों कहते हैं कि दर्द में दो बोल भी और दिलासा भी आपके कई काम आ जाता है। जब कोई आपका अपना दोस्तों इस तरीके से चला जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी लड़कर वहां पहुंच गए और उन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र को तुम लोग खत्म करोगे तो हम उस पर चोट देंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों जो काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है वो नरेंद्र मोदी भी कर सकते थे। वो जाकर उन पीड़ित परिवारों से मिलते, उनको गले लगाते, दिलासा देते कि मैं हूं तो आपके साथ, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैं टेनी मिश्रा और अजय मिश्रा जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन ये तो छोड़िए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं किया। ये कैसा जल्लाद प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसके दिल में दया नाम की चीज नहीं है, जो किसानों को आंदोलनजीवी बताता है जबकि खुद सबसे बड़े फोटोजीवी बनकर बैठे हुए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेट टिकैत बोले सरकार किसानों की नहीं, आम जनता की नहीं, अडानी और अंबानी की है। राकेट टिकैत बोले कंपनियों की सरकार है इसीलिए दिल में दया नाम की चीज नहीं है। राकेट टिकैत ने कहा कि जो लोग गाड़ी से किसानों को रौंदे वो इंसान नहीं हो सकते, वो हैवान है। राकेट टिकैत ने कहा कि कोई भी इंसान किसानों को इस तरीके से रौंद नहीं सकता और किसानों को कमजोर भी मत समझना। राकेट टिकैत ने कहा कि ये मत समझना कि किसान कमजोर है, उसको तुम लोग गाड़ी से रौंदते जाओगे और किसान सहन करता जाएगा। राकेट टिकैत ने कहा कि सातवें दिन से जिस दिन आठवां दिन हो गया उस दिन समझ लेना कि पूरा यूपी घिर जाएगा। अगर टेनी मिश्रा और उसके बेटे अजय मिश्रा को पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया तो इसका अंजाम भी सरकार को ही भुगतना होगा। राकेट टिकैत ने कहा कि हम किसानों ने मध्यस्थता जरूर कराई है लेकिन उन पीड़ित परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। आपको बता दें किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि ये बात सच है कि पैसा कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जाने वाला पैसे से नहीं आता, अगर पैसे से दोस्तों जान खरीद सकते तो क्या बात थी, लेकिन पैसे से दोस्तों ना ही आप किसी की जिंदगी खरीद सकते हो और ना ही जो है दोस्तों आप किसी को समझा सकते हो। दरअसल दोस्तों राकेट टिकैत ने साफ कर दिया कि समझौता मध्यस्थता इस बात पर ही हुई है कि टेनी मिश्रा और उसके बेटे अजय मिश्रा के ऊपर जो है यहां पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राकेट टिकैत ने कहा कि यूपी को घेर लिया जाएगा और उसके बाद किसान जो करेंगे ये यूपी की योगी सरकार देखेगी। दोस्तों आज अजय मिश्रा टेनी मिश्रा जैसे लोग आराम से घूम रहे, किसी एक की भी अगर कोई आम इंसान गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दे, हिट एंड रन केस चलता है दोस्तों उसके ऊपर, चाहे वो भले ही गलती से किया हो उसने, लेकिन अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा जैसे लोग आराम से घूम रहा है। बाप जो है भड़काऊ भाषण देता है एक दिन पहले और बेटा जो है उस भाषण का अंजाम देता है और किसानों को कुचल डालता है। हिस्ट्री शीटर है दोस्तों दोनों, सारे लकड़ी चोर है जो किसानों को ठोक रहे हैं, खुद सारे लकड़ी चोर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे एक बार फिर से भड़के रविश कुमार ने बोला मोदी सरकार पर जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दे रविश कुमार ने अभी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए। रविश कुमार ने कहा कि क्या पैसा देकर किसानों को खुश किया जा सकता है? क्या जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, जवान था दोस्तों नवप्रीत, महज 21 साल का था। आपको बता दें अमेरिका जाकर दोस्तों अपने बाप पापा का कर्जा उतारना चाहता था, अपने फादर का, लेकिन दोस्तों उसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है। और सबसे शर्मनाक जो बात निकलकर सामने आई है ना दोस्तों, उसको जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों योगी के मंत्री का बयान आता है, जी हाँ अजय मिश्रा के दोस्तों सबसे करीबी दोस्त और जो है मंत्री अजय मिश्रा के, उनका बयान आता है कि समझौते से सब खुश है, समझौते से किसान बहुत खुश है, सब कुछ ठीक हो गया। सोचिए दोस्तों कितना बेशर्मी वाला बयान दिया अजय मिश्रा के दोस्त उर्फ बीजेपी के मंत्री ने कि समझौते से सब लोग खुश हैं, यानी कि इन्हें लगता है कि समझौते से जो लोग मरे हैं, जिन 8 लोगों की जाने गई हैं, उनकी जान वापस आ जाएगी। इनको लगता है कि किसान खुशियां मना रहा है समझौता कर, अरे वाह देखो हमने अपने अपनों को खो दिया और 50-50 लाख रुपए या 45 लाख रुपए की भीख लेकर हम लोग खुश हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को और ऐसे नेताओं को जो 8-8 मौतें होने के बाद गाड़ी से
कुचलने के बाद बेदर्दी से ये कहते हैं कि समझौते के बाद किसान खुश हो गया। अरे बेशर्मो, जरा सी शर्म कर लो। अगर उनकी जगह तुम्हारा परिवार होता, ऊपर वाला ना करता, तो तुम लोग क्या यही बयान देते? अगर तुम्हारा बेटा होता उस गाड़ी के नीचे लवप्रीत की जगह, तब भी तुम इसी तरीके का बयान देते कि हम समझौते से काफी खुश हैं? नहीं दोस्तों, तब ये लोग आग बबूला हो जाते, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द दोस्तों कोई अपना ही महसूस कर सकता है। बीजेपी तो राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है। आप देखिए कितना बेशर्म बयान कि किसान समझौते के बाद खुश है, यानी कि तुम्हें लगता है कि पैसों से इंसान की जिंदगी खरीदी जा सकती है। अगर ऐसा है तो तुम जाकर गाड़ी के नीचे, ट्रेन के नीचे लेट जाओ, जाओ किसान भी तुम्हें 50 लाख देने को तैयार है। शर्म नहीं आती है दोस्तों इन लोगों को कैसे कैसे बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी को शर्म नहीं आती है। किसने बना दिया दोस्तों इस इंसान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जबकि ये दोस्तों मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसकी जो सोच है दोस्तों रूढ़िवादी सोच है, हिंदू मुसलमान वाली सोच है। किसान कुचले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उन लोगों को जेल के पीछे डालने के बजाय आम लोगों को डरवा रहा है डीजीपी से कि अगर वीडियो शेयर किए तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। वाह भैया, एक तो सीनाजोरी करते हो, ऊपर से उन जनता को ही डराते हो जो सच्चाई सामने ला रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विनोद कापरी ने किया ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़। दरअसल दोस्तों विनोद कापरी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रियंका और राहुल गांधी जी हाँ पहुंचे हैं लखीमपुरी। दरअसल दोस्तों ये फोटो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंसानियत का सबूत है। ना सिर्फ इंसानियत का सबूत दोस्तों, बल्कि ये फोटो बयां करता है कि अगर आप चाहो तो लोगों को प्यार दे सकते हो, दिलासा तो दे ही सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को मदद नहीं भी करना चाहते तो कम से कम दोस्तों अगर आप गले लगाकर ये बोल दोगे कि हम आपके साथ हैं, तो उसको कितना अच्छा लगेगा दोस्तों उस किसान को जिसने अपने बेटे को खो दिया। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, मुझसे वीडियो नहीं बनाते बन रहा, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये वीडियो बनाते हुए, उस परिवार के बारे में सोचते हुए जिस परिवार को दोस्तों इतनी तकलीफ मिली है। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंखों में इस वक्त सच में बहुत ज्यादा आंसू आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों को कुचला गया है उनकी क्या हालत होगी, उनके परिवारों की। दोस्तों अगर सरकार चाहती तो उस परिवार से मिल सकती थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये फोटो बयां करता है कि आज भी इंसानियत है। ठीक है दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष अपना फायदा भी देखता है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि विपक्ष आम जनता को इंसाफ दिलाने का काम करता है। दोस्तों अगर विपक्ष ना हो तो मैं आपको लिख के दे दूं, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ही दबा दे। देखिए आप, एक राज्य के सीएम को, भूपेश बघेल को, वहीं पर धरने पर बैठना पड़ा लखनऊ के एयरपोर्ट पर, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में नहीं जा पा रहा था। क्या ये दोस्तों सारी गरिमाओं को नहीं लांघता? क्या ये सरकार अब भी यही कहेगी कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं? लोकतंत्र तो जिंदा नहीं है, लेकिन मोदी की जो तानाशाही चल रही है दोस्तों वो जरूर जिंदा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, एक बार फिर से दोस्तों फर्जी आतंकी, जी हां दोस्तों आपको बता दें फिर से भगवा फर्जी आतंकियों का हमला। दोस्तों आपको बता दें हिंदू भाइयों का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन फर्जी दोस्तों भगवादारियों के पिछवाड़े को सुझा दिया गया। आज हम दोस्तों आपको एक बेसिकली ये कह सकते हैं कि आज हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि एक बीजेपी शासित राज्य और एक कांग्रेस शासित राज्य में क्या फर्क है। आप समझ जाएंगे कि कार्रवाई किसे कहते हैं और किसको कहते हैं जो यहां पर बिल्कुल सही डिसीजन लेना। दरअसल दोस्तों आपने देखा था अभी जगह जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, खास करकर उन जगहों पर जहां भाजपा शासित राज्य है, यानी कि जहां बीजेपी की सरकार है। हमारे सामने एक ऑटो चालक का वीडियो आया था दोस्तों, जो कि हमने आपको बताया था कैसे उस ऑटो चालक को पीटा जा रहा और जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहा। उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची कह रही कि मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन वो लोग जानवरों की तरह मार रहा है। चूड़ी वाले का किस्सा आया, उनको मार रहा है। उसके बाद बेचारा एक फेरी वाले का किस्सा आया,
उसको पीटा गया जय श्री राम के नारे लगवाए गए। और ज्यादातर ये किस्से दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़े हैं या फिर दोस्तों उन बीजेपी राज्यों से जुड़े हैं जहां पर बीजेपी इस वक्त सत्ता में। अब दोस्तों अब की बार इन लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया, इन्होंने भूपेश बघेल की जहां पर सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां पर दोस्तों हिंदू सभा का एक महाआयोजन किया जिसमें दोस्तों झुंड बनाकर ये लोग निकल पड़े और दोस्तों देश में नफरत वाले नारे लगाए गए, वही दिल्ली में जो लगाए गए थे दोस्तों, नारे लगाए गए कि जब जब मूल्य काटे जाएंगे तब तब जय श्री राम नारे लगवाएंगे, अगर देश में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। इस तरीके के नए नए बयान लगाए गए और मुसलमानों को ज्यादातर उस पर जोर दिया गया काटने पर। अब दोस्तों ये झुंड लगा के तो निकल गए लेकिन उसके बाद पुलिस को पता चल गया दोस्तों, और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने तबीयत से इनके पुट्ठे सुजा दिए। जी हाँ, इनके पिछवाड़े पर इतने लठ बजाए दोस्तों कि दो मिनट में जो लोग झुंड बनाकर चल रहे थे वो तितर बितर हो गए। एक मिनट में दोस्तों इनकी हिंदू सेना, जो फर्जी हिंदू सेना थी, वो दो मिनट में तितर बितर होकर दोस्तों इधर उधर बिखर गई। और दोस्तों वाकई में मैं सल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार को कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर तुम लोग हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को बांटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी इस तरीके से ही तबीयत से सुताई की जाएगी। सोचिए दोस्तों अगर इनमें दम था तो लाठी से क्यों भागे, लगाते नारे खड़े होते तब मैं मानता कि हाँ इन लोगों में दम है। दोस्तों पीठ पीछे और ऐसी जगहों को चुनकर जहां पर महज दो चार मुसलमान रहते हैं वहां पर झुंड बनाकर गुंडागर्दी बताना, ये दोस्तों नामर्दगी की सबसे बड़ी निशानी है। हमारे देश सेकुलर कंट्री में आता है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग दोस्तों काफी खुशी से रहते हैं, लेकिन जब से दोस्तों 2013 के बाद से जब से मोदी की सरकार आई है तब से इन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया है, मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये साफ है दोस्तों कि जो लोग ये नफरत फैला रहे हैं उनको एक दिन सच्चाई का सामना करना होगा, क्योंकि आखिर कब तक रहेगी बीजेपी की सरकार, एक ना एक दिन तो सत्ता से जाना ही होगा, क्योंकि सत्ता भाई किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। उसके बाद मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, ये जो लोग अभी हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कल यही लोग दोस्तों आपको कोपचे में घुसे हुए मिलेंगे। डरपोक इतने हैं कि अभी इन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन जब सरकार बदल जाती है तब ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, तब ये नारेबाजी नहीं लगती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी बोले डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है और हर कहीं तारीफ हो रही है, इसकी सच्चाई राहुल गांधी ने बताई। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने हमारे देश को 13वें नंबर यानी कि 13 पर पटक दिया, ये कहकर कि अब इंडिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है, वहां के पत्रकारों को डराया और धमकाया जाता है, वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि जो मुसलमान हैं दोस्तों उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या आप डेमोक्रेसी जिंदा है दोस्तों, क्या डेमोक्रेसी बची है? नहीं। आप कहेंगे कि भैया अब नहीं बची, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के लिए ट्विटर पर कुछ लिख दो तो भैया वो टूलकिट हो जाता है, अगर नरेंद्र मोदी के लिए मुंह से कुछ बोल दो तो वो राजद्रोह लग जाता है उसके ऊपर। अगर नरेंद्र मोदी की सच्चाई सामने लाओ तो ये लोग कहते हैं कि छवि बिगाड़ना। अरे भैया नरेंद्र मोदी ने 2013 में जो वादे किए थे वो वादों को ही याद कर लीजिए। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, ये नारा किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। 410 की टंकी 1000 के दाम पर पहुंच जाती है, कल फिर पेट्रोल डीजल और टंकी के दाम बढ़े, 1000 रुपए के लगभग जो यहां पर गैस की टंकी है वो पहुंच जाती है। अच्छे दिन है ये मोदी के, पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री कहता था कि मैं आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, उसने शतक मार दी, पेट्रोल को 115, डीजल को 100 पर ले गया। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। वाह भैया क्या सरकार बनाई है इन्होंने, आते ही देश में क्या कमाल कर दिखाया। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।